हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रागिनी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रागिनीज किचन डायरी। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी क्या है। आज की रेसिपी है फास्टिंग, मतलब भगर के कटलेट। भगर को सम्मा चावल भी बोलते हैं हिंदी में। तो उसके कटलेट कैसे बनाएंगे आज हम देखेंगे। मैंने एक कटोरी मतलब एक कप भगर लिया है, उसे एक मिक्सिंग बाउल में लेके धो लेंगे। भगर को मैंने दो बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसे एक मिक्सर का पॉट लेके मिक्सर ग्राइंड करेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैंने भगर को। अब इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैंने भगर को। अब एक पतीला गैस पर रख के उसमें जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी से दो कटोरी पानी डालना है। अब इसे उबाल आने तक ऐसे ही रख देंगे। उबाल आने के बाद इसमें भगर की पेस्ट ऐड कर देंगे। पानी में उबाल आ गए हैं, अब इसमें भगर की पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठली आना पड़ जाए। धीरे धीरे पूरा पानी इसमें सोख कर लिया है, अभी अच्छे से मिक्स हुआ है, इसका डो अच्छे से बना सकेंगे हम। इस डो को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब तक इस प्लेट में मैंने चार आलू लिए हैं, उबले हुए आलू, इसके पेल्स निकाल देंगे। मैंने आलू को ज्यादा उबाल लिया था ताकि ये हाथ से भी हम इसे मैश कर सकें। बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे बनाने हैं ताकि डो अच्छा सा प्रिपेयर हो सके। पोटैटोज अच्छे से मैश हो गए। अब एक प्लेट में और भगर भी ठंडा हो गया, एक प्लेट में हम आधा भगर ले लेंगे। और मैश किए हुए आलू भी आधे लेंगे। बचे हुए आलू हम उसे अलग और एक डिश बनाएंगे, आलू फिंगर्स और आलू बॉल्स, वो हम बाद में बनाएंगे, पहले भगर कटलेट बना लेते हैं। भगर और आलू के इस पेस्ट में हम आधा कप भिगोया हुआ साबूदाना ऐड करेंगे, आधी कटोरी। उसमें हरी मिर्च का पेस्ट मैंने मिक्सर में डाल के बनाया था, वो एक टीस्पून डालेंगे। सेंधा नमक वो भी एक टीस्पून डालना है। अगर आप फास्टिंग में कोथिंबीर या हरा धनिया ऐसा खाते हैं तो आप डाल सकते हो। अब इसमें आधी कटोरी दही डालेंगे। दही थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि डो अच्छे से बन जाए। अच्छे से मिक्स कर लें और एक स्मूथ जैसा डो प्रिपेयर करेंगे।
इसमें मैंने 1/4 कटोरी दही भी ऐड किया है। आप देख सकते हो दो अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अब इसकी कटलेट बना लेंगे। इसकी छोटे छोटे राउंड कटलेट बनाने के लिए थोड़ा तेल लगाएंगे हाथ पर, छोटा सा बॉल लेंगे। इसी तरह से पूरे कटलेट बनाने हैं। आप चाहे तो इसे अलग शेप में भी बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एक तावा लिया है मैंने, उसपे 2 टीस्पून ऑयल डाला है। अब बनाई हुई कटलेट हम शालो फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से पूरे होने के बाद पलट देंगे। ये हो गए हमारे बगर कटलेट तैयार। मैंने इसे दही और शेंगदाने के तले की चटनी के साथ परोस लिया है। अब हम इसी डो से बनाएंगे अप्पे। तो इसके लिए मैंने एक अप्पे पैन लिया है। अप्पे का पैन गरम हो चुका है। मैंने इसमें 2-2 ड्रॉप ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल। आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और छोटे छोटे बॉल्स कर लिए थे मैंने डो से, वो इसमें डालेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 1 मिनट के बाद इसे थोड़ा सा पलट देंगे। दूसरी तरफ से दोनों तरफ से अच्छे से कर देंगे। इसे आधा मिनट तक ऐसे रहने देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप जब चाहे तब इंस्टेंट बना सकते हो। ये हो गए हमारे अप्पे भी तैयार। मैंने इसे चिल्ली चटनी के साथ, मतलब हरी मिर्च की चटनी के साथ परोसा है। आप चाहे तो किसी और चटनी के साथ भी परोस सकते हो। अब हम बचे हुए आलू मैश किए हुए और भगर बची हुई, उससे हम आलू फिंगर्स और आलू बॉल्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने मैश किया हुआ, हमने अलग से रखा हुआ आलू लिया और बची हुई भगर ले लिए हैं। अब उसमें हम 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून सेंधी नमक, 1 बड़ा चम्मच शेंगदाना पल्ली का पाउडर, पीनट पाउडर, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। डो तैयार हो चुका है। अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके फिंगर्स बना लेंगे।
ऐसे ही सारे फिंगर्स बना लेने हैं। इस तरह से मैंने सारे फिंगर्स और बॉल्स बना लिए हैं। और गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें तेल रख दिया है गरम होने के लिए। एक एक करके इसमें बॉल डालेंगे। एक होने के बाद दूसरा बॉल डालना है, क्योंकि एक दूसरे से चिपक ना जाए। अब दूसरा डालेंगे। इसी तरह एक एक करके पूरे तल लेंगे। इसी तरह फिंगर्स भी हमें एक एक करके ही डालने हैं, ताकि ये एक दूसरे से नाचे पड़ जाए। ये हो गए हमारे फिंगर्स और बॉल्स तैयार। हमने फिंगर्स और बॉल्स को डीप फ्राई कर लिया है, और कटलेट और अप्पे हमने शैलो फ्राई कर लिए थे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।